नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube के चैनल नई सोच में। और दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हेल्दी नाश्ता। जैसे आप बच्चे बहुत पसंद करते हैं, नहीं अक्सर नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ये दलिया इतनी टेस्टी बनेगी कि इसे हर बच्चा पसंद करता है खाना। और आज हम लोग बनाएंगे टेस्टी दलिया। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं दलिया। इसमें हमने ये आधी कटोरी, इसके नीचे ये हमने इसमें ये हमने आधी कटोरी दलिया लिया हुआ है। ये नीचे दलिया है और ये इसके ऊपर थोड़े से मखाने लिए हुए हैं। और हमने ये गैस पे स्लो फ्लेम पे बर्तन रखा हुआ है, जिस पर हमने थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाला हुआ है। और अब हम इस घी में ये दलिया और मखाने एक साथ डालेंगे भूनने के लिए। इनको हल्की धीमी आँच में हम इसे भून लेंगे। हमारा घी गर्म हो गया था, घी डालते ही इसको ज़्यादा देर ना होने दें, नहीं तो वो फिर जल जाएगा घी। और हमें इसे धीमी आँच में लाल होने तक हल्का सा भून लेंगे। हम हल्की सी गैस को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम में रख सकते हैं, इससे ये आराम से लाल हो जाए जल्दी। ये हमने दूध का बर्तन दिया हुआ है, इस पर पकाने से हमारे एल्युमिनियम के बर्तन में, अगर पहले से रखे हुए दूध के बर्तन में अगर हम बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट आता है दलिया में पकने के बाद, क्योंकि ये धीमी आंच में पकेगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी दलिया हल्की हल्की भुंजी हुई रेड रेड रेडिस दिख रही है। और अब इसमें हम एक गिलास, सबसे पहले एक गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक गिलास पानी लिया हुआ है और अब हम इस पानी को डाल देंगे और इसको देख लेते हैं। पर हम एक गिलास पानी और डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए और कच्ची ना रहने पाए दलिया। हेल्दी और टेस्टी दलिया तभी बनती है जब वो कच्ची ना रहे, पक जाए अच्छे से दलिया। ये एक गिलास पानी और डाल दिया हमने और अब हम इसमें एक गिलास प्योर दूध डाल, अब हम इसमें ये एक गिलास हमने जो दूध लिया हुआ है, इस दूध को भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमने दूध इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से चला देते हैं। और इसमें अब हम 5 चम्मच चीनी डालते हैं अंदाज से, कि हमारी अच्छी से मीठी हो जाए दलिया और टेस्ट आ जाए उस पर। ठीक है, तब हम इसे 5 चम्मच, अब हम इस पर इस चम्मच के अंदाजे से 5 चम्मच चीनी इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये हमारी 5 चम्मच हो गई है और अब हम इसको पहले थोड़ी देर खोलने के लिए तेज आंच इसको चालू रखेंगे, गैस की बिल्कुल फुल आंच रहेगी ताकि ये धीरे धीरे खोलने लगे। जब ये खोलने लगे तब इसको हम बंद कर दें, बंद नहीं करेंगे, इसको गैस को मीडियम कर देंगे ताकि ये उबल के बाहर ना आने पर। ठीक है, तो इसको हम खोलने तक का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा दूध इस तरह से देखिए भगोने में कितने अच्छे से खोलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको गैस को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं जिससे कि ये उबल के बाहर ना जाने पाए। और अब हम इसे धीमी आंच में लगभग 15 से 20 मिनट पकने देंगे। फिर इसको हम आके देखते हैं, दोबारा आकर देखते हैं कि ये कितनी गाढ़ी हुई है। उसके आगे हम उसी अनुसार, जिस अनुसार ये गाढ़ी होगी और जिस अनुसार ये पकी होगी, उसके आगे उसी अनुसार इसको हम पकाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं धीमी आंच में ही पकने के लिए। ये धीमी आंच में अपना दलिया पकेगी धीरे धीरे और ये जो पानी इसमें 2 गिलास हमने डाला है वो अब्जॉर्ब होगा। और इसके लिए फिर हम अभी 20 मिनट बाद आके फिर से चेक करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, हम देखते हैं हमारी दलिया कैसी है। ये देखिए कितने अच्छे से पक रही है और अब हम इसको चलाते हैं। देखिए नीचे जमने लगी है हल्की हल्की और इसे अब हम, ये हमारी पक चुकी है और अब खाने के लिए तैयार है। अभी इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरी बच्ची पसंद नहीं करती है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये दलिया की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी देख सकें कि इतनी टेस्टी और हेल्दी दलिया किस प्रकार बनाई जा सकती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चे ये बार बार मांग मांग के खाते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए अपने घर में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।